सबको सत श्री अकाल, हेलो एंड नमस्ते। सो माई सेल्फ जगप्रीत सिंह, टुडे आई एम गिविंग द प्रोजेक्ट ओवरव्यू फॉर द प्रोजेक्ट द एम रिलीज बाई यूनिटी ग्रुप। सो ये जो प्रोजेक्ट है ये सेंट्रल दिल्ली के अंदर लोकेटेड है इन करोल बाग एरिया, जो हमारा न्यू रोहतक रोड एरिया है, जीवनमाला हॉस्पिटल के बैक साइड के अंदर ही पड़ता है। सो ये जो प्रोजेक्ट है ये 40 एकड़ की डेवलपमेंट होने जा रही है दिल्ली के अंदर। अगर बात करें हम इसकी लोकेशन की, तो ये लोकेटेड है रिज, जो हमारा दिल्ली का रिज है उससे 1.5 किलोमीटर नियर है, एंड झंडेवाला 1.6 किलोमीटर, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन 3 किलोमीटर। सो इट हैज़ अ वेरियस लोकेशन एडवांटेज भी है इसके पास। सो इस प्रोजेक्ट की कुछ फीचर्स डिस्कस करते हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है मल्टीपल एग्जिट एंड एंट्री पॉइंट्स हैं, दैट इज 5 to 6 एग्जिट एंड एंट्री पॉइंट्स आर देयर। So that would be also be advantage in near future. If I talk about this project, ये जो project है ये 4 phases के अंदर बनने जा रहा है, जिसमें से phase 1 का अभी काम हो चुका है and it is nearing the possession. ये इसका phase 1 का जो possession होने वाला है वो March 2021 के अंदर, mid 2021 के अंदर we can expect the possession of this project. So the phase 1, Phase 2 and Phase 3 जो है that will be expected by 2022. तो वो different phases हैं, Phase 2, Phase 3 and जो Phase 4 है that is Unity has tied up with Versace. Versace के साथ एक iconic tower आने वाला है जो Delhi की largest building होने वाली है। So these are the 4 phases of the project and ये वाली video में मैं Phase 1 का discuss करूँगा। I will be telling about the facilities and all the things of Phase 1 only. So next video में I will take the phase 2, phase 3 and phase 4 को बाद में करेंगे। So अगर मैं बात करूँ facilities की, तो इस project के साथ जो phase 1 में Unity देने जा रहा है जो facilities, that is a basketball court, lawn tennis court, kids play area, swimming pool, badminton court and various indoor games. एक point है, indoor games एक ऐसा point है जो इस प्रोजेक्ट को अपने कॉम्पिटिटर से डिफर करता है। तो हर प्रोजेक्ट अभी जो भी हमारा सेंट्रल दिल्ली में लोकेटेड है, लाइक DLF है, अदर प्रोजेक्ट्स हैं, अभी इतना इंडोर गेम्स नहीं है उन प्रोजेक्ट्स में। सो इसके अंदर इंडोर गेम्स हैं, काफ़ी सारे इंडोर गेम्स हैं। सो इसके अंदर योगा स्टूडियो भी बनने वाला है, स्पा होगा, एरोबिक स्टूडियो होगा, सैलून होगा, जिम होगा। सो दीज आर द वेरियस फैसिलिटीज होंगी जो इस प्रोजेक्ट को डिफर करेंगी बाकी प्रोजेक्ट्स के। सो जो फेज़ वन के अंदर फ्लैट्स होने जा रहे हैं उनके अंदर 11 फीट की हाइट रहने वाली है एंड 6 फीट की बालकनी हर फ्लैट के साथ होने वाली है। सो इसके अंदर जो है 2 BHK प्लस 2 बाथरूम होगा उसके अंदर, एंड 3 BHK प्लस 2 बाथरूम, 3 BHK प्लस 3 बाथरूम एंड 3 BHK प्लस 7 रूम। ये 4 टाइप ऑफ वेरियंट्स रहने वाले हैं इसके अंदर फ्लैट्स। सो द प्राइस की बात करें तो 2 BHK विल बी एट 1.85 करोड़, स्टार्टिंग फ्रॉम 1.85 करोड़। 3 BHK प्लस 2 बाथरूम विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 2.25 करोड़। 3 BHK प्लस 3 बाथरूम विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 2.55 करोड़। 3 BHK प्लस 7 रूम विल बी स्टार्टिंग एट 2.75 करोड़। सो ये इनका प्राइस स्ट्रक्चर होने वाला है। इस प्राइस के अंदर जो हमें यूनिटी देने वाला है इसके अंदर जो फ्लैट है ये रॉ नहीं होगा बिल्कुल। 2 BHK, 3 BHK, 3 BHK प्लस सर्वेंट, ये तीनों टाइप के फ्लैट के साथ जो यूनिटी हमें देने वाला है यूनिटी की तरफ से रहेगा। एक रॉ फ्लैट नहीं होगा ये। सो इट वुड बी मॉड्यूलर किचन विद चिमनी प्लस मॉड्यूलर वार्डरोब्स रहेंगे कमरे के अंदर, प्लस फ्लोरिंग रहेगी। इसके अलावा AC रहेंगे डाइकिन के। इसके अलावा फुल बाथरूम के अंदर टाइल्स होंगी, प्लस बालकनी की जो साइड ग्रिल्स होगा। तो वी कैन से इट इज़ अ सेमी फर्निश काइंड ऑफ फ्लैट विद एड ऑन ऑफ AC एंड थोड़ा बहुत एड ऑन है इसके अंदर। सो वो सब हमें यूनिटीज के साथ ही देने वाला है। इन फ्लैट्स का जो पोजीशन है वो स्टार्ट होने वाला है मार्च 2021 से। सो अभी इसकी बुकिंग चल रही है। फॉर बुकिंग, एनी काइंड ऑफ बुकिंग पर्पज और any inquiry you can connect to me on this number on the screen, so I will be happy to assist you. Thank you.